नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ को लेकर कहा गया कि उन्हें बीजेपी ने साइड कर दिया, सांसद से उन्हें विधायक बनाकर सबसे पहले तो डिमोशन कर दिया, उसके बाद सीएम रेस में नाम आगे आने के बाद भी उन्हें सीएम तो छोड़िए मंत्री तक नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बालकनाथ सुर्खियों में बने रहते हैं और एक्शन मोड में नजर आते हैं, जैसे अब उन्होंने मोदी को ही नसीहत दे डाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, बीजेपी गौवंश की रक्षा की बात तो करती है, लेकिन सिर्फ बात ही करती है, क्योंकि गौवंश के हाल क्या हो रखे हैं ये हर कोई देख रहा है। सड़कों पर गौवंश लाचार घूमते रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। गौ तस्करी के कई मामले सामने आए हैं और यही मुद्दा अब बालकनाथ ने उठाया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के अलवर के थाना गाजी उपखंड के भीकमपुरा में बलवास मार्ग पर बने जोहड़ में गौवंश का आधा हिस्सा मिला, जिससे बवाल मच गया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक इलाके के कुछ ग्रामीणों को सुबह गौवंश का कटा हुआ सर तैरता दिखा। गौवंश का नीचे का हिस्सा पूरा गायब था, जिसके बाद लोगों ने थाना गाजी थाना अधिकारी राजेश मीणा को इसकी जानकारी दी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले पर थाना अधिकारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि गौवंश का अवशेष जरूर मिला है और पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। अब क्योंकि मामला बालकनाथ के क्षेत्र का था तो तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने इस मामले में बयान दिया और कहा, सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए, सरकार ठोस कानून बनाए और पुलिस एक कार्य योजना बनाकर काम करे, जिससे गौकशी और तस्करी करने वाले गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार मोदी की है केंद्र में, ऐसे में बालकनाथ ने मोदी को ही नसीहत दी है कि गौकशी और तस्करी को रोकने के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए। आगे बालकनाथ ने यह भी कहा, हम सरकार में बात कर रहे हैं और सरकार इस पर काम भी कर रही है। जो लोग गौकशी और गौ मांस का सेवन कर रहे हैं हमारे ही क्षेत्र में, उन सभी पर पाबंदी लगनी चाहिए। मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है, मैं अभी थाना अधिकारी और एसपी से बात कर पूरे मामले की जानकारी लेकर इस मामले में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तो मांग करूंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बालकनाथ साइड होने के बाद भी फिलहाल एक्शन मोड में है और अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि बीच में बालकनाथ के तेवर काफी बदल गए थे। पहले बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद थे, लेकिन फिर 2023 में उन्होंने तिजारा से विधायकी का चुनाव लड़ा और उन्हें जीत भी मिली। विधायक बने बालकनाथ को लेकर खूब माहौल बना कि वो राजस्थान के सीएम बनेंगे। जनता भी यही मांग उठा रही थी, यहाँ तक कि विपक्ष भी इसी ओर इशारा कर रहा था, लेकिन अचानक से सारा गेम पलट गया और सीएम भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। उसके बाद ये उम्मीद थी कि भजनलाल सरकार में उन्हें मंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिसके बाद बालकनाथ के तेवर एकदम बदले नजर आए थे। ऊपर से वो खुद गायब भी हो गए थे राजनीति से, लेकिन अब एक बार फिर से बालकनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और सरकार को नसीहत दे रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।